हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए गेमिंग चैनल में। तो फाइनली हमने गेम शुरू कर लिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया द वॉर विद इन। ठीक है, इससे पहले हम दो गेम खेल चुके हैं, प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड्स और प्रिंस ऑफ पर्सिया द टू थ्रोन्स खेल चुके हैं। ठीक है, ये तीसरा गेम हम खेल रहे हैं, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉर विद इन। ठीक है, तो फिलहाल स्टोरी दिखाई जा रही, ठीक है, इसमें ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको मैंने कि प्रिंस ऑफ पर्सिया ट्रिलॉजी के तीन पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ पर्सिया वन है, 3D वाली है। ठीक है, फिर सेकंड है प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉर विद इन है, और थर्ड है प्रिंस ऑफ पर्सिया टू थ्रोन्स। ठीक है, थर्ड पार्ट था प्रिंस ऑफ पर्सिया टू थ्रोन्स। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, प्रिंस ऑफ पर्सिया 3D वाले गेम में इन्होंने ना प्रिंस ने क्या सैंड्स को रिलीज़ कर लिया था। ठीक है, सैंड्स ऑफ टाइम को रिलीज़ कर लिया था। तो इस वाले पार्ट में जो ढाका नाम का जो मॉन्स्टर है, ढाका नाम का जो बीस्ट है, वो प्रिंस के पीछे पड़ रखा है। ये 7 साल आगे कहानी है कि जो ढाका नाम का बीस्ट है उसके पीछे पड़ा हुआ है इसकी जान लेने के लिए, क्योंकि इसने सैंड्स को आज़ाद कराया था इसने। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या चलता है स्टोरी, क्योंकि गेम बहुत मस्त है वाला। ठीक है, टू थ्रोन्स ज़्यादा मज़ा आएगा गेम खेलने में आपको। तो वो प्रिंस कहीं सफ़र पर निकल रखा भी, ठीक है, दिखा रखा है इसमें कहीं सफ़र पर निकल रखा है। ठीक है ना, इसकी स्टोरी समझो। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है, देखो यहाँ पर अभी प्रिंस क्यों पहुँचा ना, समुद्र में क्यों है प्रिंस अभी, इसकी स्टोरी आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, कि यहाँ पर जाने के लिए से कौन बोलता है इसे, ठीक है, यहाँ पर क्यों आता वो। यहाँ फिर से किसी आर्मी ने इस पर हमला कर लिया, इस गेम के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है ना, प्रिंस ऑफ पर्सिया टू फोन से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स से, इसके ग्राफिक थोड़ा डार्क के बाद मानता हूँ मैं। ठीक है ना, थोड़ा डार्क मोड में शूट है पूरा गेम। ठीक है, वाला गेम भी था ना पूरा लाइट मोड में शूट था, थोड़ा गोल्डन लुक जाता था उसमें, क्योंकि पूरा के पूरा डे टाइम में गेम शूट था। वाला जो है ये नाइट टाइम का गेम है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये गेम जो है ना ये वैसे लाइट में शूट है, जैसे कमरे के अंदर लाइट होती है येलो लाइट में। वाह, इस गेम में बहुत सारी स्टोरी लाइन थी, इस गेम में बहुत सारी स्टोरी लाइन, गेम काफ़ी आगे तक खेल चुका हूँ यहाँ मैं। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया गेम खेलने में, और आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ बताऊँगा इस गेम में, कहाँ पर क्या दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, कहाँ पर कैसे पार करना है। ठीक है, बाकी असली में तो गेमिंग एक्सपर्ट आप तभी बनोगे जब आप खुद खेलने बैठोगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, अब कंट्रोल हमारे हाथ में आने वाला है। ठीक है, तो ना गेम शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ। ठीक है ना, इसमें इस गेम में ना तीन तरह के कैमरे हैं इसमें। ठीक है, एक कैमरा तो वो है जो जिसके जिस जो जिसमें प्रिंस लड़ रहा होता है, जिसमें आप देखते हो। ठीक है, जैसे जिस मोड में भी खेल रहा हूँ मैं, पहला कैमरा है। ठीक है, इसमें आपको प्रिंस के बराबर दिख रहा है, जितना प्रिंस को दिख रहा है उतना आपको भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा दिख रहा है आपको, जितना प्रिंस को दिख रहा है उतना दिखेगा दिखा आपको। ठीक है, दूसरा जो मोड है ना वो फर्स्ट पर्सन व्यू है। ठीक है, इसमें ठीक है जो ऐप से करते हैं दूसरा कैमरा जो है ऐप से दबाते हैं वो है फर्स्ट पर्सन व्यू का कैमरा है वो। उसमें दिखता क्या है, उसमें वही चीज़ दिखेगा आपको जो प्रिंस देख रहा है। ठीक है, जो प्रिंस की दो आंखें देख रही होंगी ना वही दिखेगा आपको उस गेम में, उस वाले कैमरे से आपको। ठीक है ना, यानी कि दूसरा कैमरा ये पहला कैमरा है जिसमें हम खेल रहे हैं, जो डिफॉल्ट मोड में, ये पहला कैमरा है। ठीक है, दूसरा कैमरा ऐप वाला है जिससे कि वो जो प्रिंस देख रहा है वही देख पाओगे आप। ठीक है, और तीसरा कैमरा इसमें क्यू वाला है, क्यू वाला कैमरा जो सिनेमैटिक कैमरा है। ठीक है, टॉप पे जो रहता है, ठीक है, वो जिमी जिप वाला कैमरा जो है टॉप में रहता है वाला कैमरा है इसमें। ठीक है, तो आपको तीनों कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा गेम खेलने के लिए, ताकि कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं पर गलत जगह ना कूद जाओ। ठीक है, तो तीनों कैमरे का इस्तेमाल करना बताऊंगा आपको यहाँ पर, आपको तीनों के कौन से कैमरे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। वैसे भी आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर दिक्कत होगी ना आपको कूदने में कि कहीं पर आपको दिख रहा होगा यार ढंग से दिख नहीं रहा, तो उस टाइम पर आप कैमरा मोड चेंज करना। ठीक है, कभी ऐप में आना, कभी क्यू पे आना, तो आपको कूदने में आसानी हो जाएगी उससे। इस गेम लेकिन वैसे बहुत स्टोरी लाइन, ठीक है, इसमें स्टोरी बहुत है इसमें। खतरनाक बना रही आगे से, उसको मार दूंगा यार मैं तो, ये बहुत ही
मतलब पहली ये थी कि इस गेम में ना कोई बड़े बीस्ट है नहीं इसमें, ठीक है ना। इस गेम में ढाका भी नॉर्मल साइज़ का, ठीक है, कैलिना भी नॉर्मल साइज़ की आती है इसमें, और केवल एक ही बीस्ट आता बार बार, ठीक है, इसमें बाकी सब में कोई बड़े बीस्ट नहीं है इसमें। ये गेम केवल उसके आ रही है, केवल ये गेम थोड़ा वैसा है, थोड़ा ट्रिकी गेम है, क्योंकि इसमें इस गेम में आपको प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो पहली बार गेम खेल रहे होते ना उनके समझ में नहीं आता कि वो प्रेजेंट में घूम रहा है कि पास्ट में घूम रहा है, पास्ट में घूम रहा है कि प्रेजेंट में घूम रहा है, फिर जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना, ठीक है, वो सब बताऊँगा इस गेम में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चल तो मरी गई यार, बस 300 और मारने से। तो यहाँ पर इसने एम्प्रेस को क्या बात कर लिया, मेरी हेल्थ इतनी बची हुई थी। और स्टोरी की बात ही, ठीक है, तो फाइनली प्रिंस पे पहुँच चुका है, आइलैंड ऑफ टाइम पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिखा रहे स्टोरी क्या है, ठीक है, ठीक है। अभी पुराने वाले पे उसकी कहानी सुना रही है, ये फर्स्ट पार्ट की सुना रही है, सेकंड पार्ट हम खेल रहे हैं, थर्ड पार्ट जो है टूट फोन से, ठीक है, ठीक है, जहाँ से महाराजा ने टाइम ग्रास जो चुराया था, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिंस ने सैंड्स ऑफ टाइम को आज़ाद कराया था, ठीक है। तो उसके बाद से जब इन्होंने टाइम लाइन में छेड़छाड़ कर ली थी, ठीक है, तो उसके बाद से इसके पीछे ढाका नाम का रास्ता बढ़ा हुआ, वही कहानी बुड्ढा सुना रहा है। ठीक है, इसी ने खोलता उसको उस टाइम पे, ठीक है, हर बार यही खोलता है, ठीक है। तो बुड्ढा उसको बताता ना यहाँ पर कि जो भी सैंड्स ऑफ टाइम खोलता है उसको मरना पड़ेगा उसे, ठीक है। बुड्ढा उसको बताता है कि तूने सैंड्स ऑफ टाइम खोला था, इससे देखो मरना पड़ेगा। अब तेरे पीछे क्या बोलते हैं, एक बीस्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम ढाका है, जो टाइम लाइन का रक्षक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा, यहाँ पर जो वो होता है ना, ये प्रिंस होता है, ये एक ट्रिक इस्तेमाल करता है, ये तरीका बोल सोचता है कि क्यों ना मैं टाइम लाइन वापस जाकर सैंड्स को क्रिएट होने से रोक दूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अगर सैंड्स क्रिएट ही नहीं होंगे तो प्रिंस कभी सैंड्स को खोल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो ढाका भी उसके पीछे पड़ेगा नहीं। तो ये इसके दिमाग में सोचता है, जो कि हर किसी के दिमाग में आता है उस समय का कोई फंसता, तो वही तरीका इससे पूछता है। तो ये बुड्ढा तो बताता है कि टाइम ऐसा कोई है, आइलैंड ऑफ टाइम है, ठीक है, जहाँ हर बार कुत्ते लड़ रहे, बहुत यार पिछली गली कुत्ते लड़ रहे मेरी गली में आ रही, ठीक है। गेम पॉज करता हूँ यार मैं।